हमारा भाई आज कहाँ आ गया, तो आप मेरे चारों साइड का पहले नजारा देख लीजिए। आप इसके बारे हम आपको बताएंगे आखिर हम कहाँ आ चुके हैं। जैसा कि आप ये साइड देख सकते हैं, ये साइड देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं और आप ये साइड भी देख सकते हैं, इस तरह का ये साइड भी आप देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए आपको हम बता दें, जो हमने पिछले वाले क्लिप में आपको कोल माइंस दिखाया है, उस कोल माइंस जैसे कोल माइंस स्टार्ट होता है तो वो ये कोल माइंस बंद हो चुका है। अगर आप पीछे वाला मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ये ना पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। पीछे वाला वीडियो देखने के बाद ऑलरेडी हम 3 क्लिप अपलोड कर चुके हैं, ये चौथा क्लिप है हमारा कोल माइंस के बारे में। अगर आप पीछे का 3 क्लिप देख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप एक बार चैनल को चेकआउट कर लीजिए। ये कोयला निकलने के बाद जब बंद हो जाता है ना, वो बंद हो चुका है। आप इस तरफ देख सकते हैं, अभी जो कोल माइंस है जो चालू है, आप वो जो वाइट वाला आपको दिखता होगा, वो वाइट वाला चालू, वो ट्रक को आप देख सकते हैं, वही कोल माइंस जा रहा है। उस कोल माइंस से उस मालगाड़ी को भी आप देख सकते हैं, वो मालगाड़ी कोयला को वहाँ से लेकर किसी और राज्य में ट्रांसपोर्ट करने के लिए जा रहा है। और ये ट्रक देखिए आप, ये कोल अभी उस कोल माइंस में जाएगा, वहाँ से कोयला निकाल के किसी ट्रांसपोर्ट यार्ड में लेके जाएगा। लेकिन हम यहाँ आज ये आ क्यों गए हैं, यहाँ क्यों आए हम दोस्तों, इसलिए आप यहाँ आ गए हैं कि इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, जैसे आप ये साइड देख सकते हैं, कि आखिर कोल माइंस होता कैसा है, कैसे कोयला निकलता है। ये जो कोल माइंस बंद हो चुका है उस वो कोल माइंस है, इस साइड देख सकते हैं आप, ऊपर देख सकते हैं हम जो पार्ट इसका बचा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ खोलना, या तो सेल आउट नहीं पॉसिबल हुआ, तो सेल आउट करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये पार्ट को छोड़ दिया गया है। और चाहे आप ये साइड देख सकते हैं, इससे दोस्तों हम ये आपको इसलिए एक बार दिखाने आ गए हैं क्योंकि कोल माइंस अंदर से हम जब नहीं दिखा पाए, हम बाहर से देख चुके हैं, हम दिखा चुके हैं, अंदर से नहीं दिखा पाए, लेकिन अंदर से अंदर में सेम टू सेम इसी तरह का होता है, जैसे आप ये देख सकते हैं। इससे दोस्तों आपको आइडिया हो जाएगा आखिर कोल माइंस होता किस तरह से है। और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं ना, आप ये जो गड्ढा देख रहे हैं, ये साइड भी है, इसके वो साइड भी है, और ये साइड भी आप देख सकते हैं, और इसके वो साइड भी गड्ढा है। ये गड्ढा में क्या होता है कोल, आई डोंट नो, उसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है कि इस गड्ढा, मतलब ये गड्ढा क्यों है, ये इसमें क्या इतना गड्ढा करके रखा जाता है, तब हम कमेंट करके देते हैं। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही, हम अपने वाणी को विराम देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो वीडियो को लास्ट तक देखिए, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। और ये भी दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर इसके बारे में कोई आपका सुझाव हो, या आप हमें कहीं और प्रेफर करना चाहते हैं, या कोई और कंटेंट देखना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम किस तरह का कंटेंट अपलोड करें। क्योंकि अब 76% लोगों ने वीडियो देख लिया आप लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब मात्र 23% करते हैं। आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, अगर कंटेंट में कहीं तरह दिक्कत आता है या कोई समस्या आता है, हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट करेंगे तभी तो हम सुधार करने की कोशिश करेंगे ना, आप हमें कमेंट ही नहीं करेंगे तो हम ये बात का कैसे आइडिया हुआ कि हमें किस तरह का कंटेंट अपलोड करना चाहिए, या क्या नहीं आपको पसंद आ रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। दोस्तों बड़ों को सम्मान दीजिए, छोटों को ज्ञान दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार बना करके ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में।